हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश प्रसाद बड़ोनी, प्रवक्ता भौतिकी। मैं कक्षा 10 विज्ञान से आज जो विद्युत वाला चैप्टर है हमारा, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने पहले कुछ सेशन में जो कुछ अब तक डिस्कस किया है, उसमें खास तौर पे हमने आवेश विद्युत धारा और प्रतिरोध, फिर विद्युत ऊर्जा, आवेशों का गणना करना और अलग अलग प्रतिरोधों पर जो है हम करंट का मान ज्ञात करना, फिर हमने प्रतिरोधों के संयोजन आदि पर बातचीत की। ठीक है, उसी कड़ी में हम आज कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उस पर देखेंगे कि किस तरह की ये जो प्रॉब्लम है वो एग्जाम में आती है। तो आओ शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने विद्युत वाले चैप्टर में आपसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे और फिर उसके बाद हमने बात की थी विद्युत व्यय ऊर्जा की और किसी भी परिपथ में कितनी ऊर्जा होती है, ये सब हम कर चुके हैं। तो इसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल की कि हम जो है बोर्ड एग्जाम में जो अक्सर जो प्रश्न आते हैं वो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न आते हैं, तो आपको वो सारे प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है वो करने होते हैं। ये 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं और कोई बड़ा क्वेश्चन भी ये जो है जुड़ के आ सकता है, यानी दो दो प्रॉब्लम एक साथ हो सकती हैं। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी हो सकता है, उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो हम कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल को आज हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कुछ न्यूमेरिकल जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, वो है किसी ऐसा आपको दिया है किसी विद्युत परिपथ में बल्ब, यानी वहां पर जो एक बल्ब है, बल्ब के तंतु का मतलब होता है फिलामेंट में जो है आवेश ज्ञात करना है। आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है, और ये ज्ञात करना हमें जब वहां पर जो है 2 घंटे के लिए जो है हमने उसको ऑन किया है, जब 2 घंटे के लिए परिपथ जो है ऑन है, ओके। तो यहां पर हमको ये ज्ञात करना है और उस समय उसमें जो विद्युत धारा का मान है, जब विद्युत धारा जो परिपथ है वो कितनी है, विद्युत धारा का मान उस समय यहाँ पर हमें दे रखा है, से कुछ भी कोई मान हमें दे रखा है 0.25 एम्पियर, ओके। इतना हमें दिया हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में, एक मान लीजिए विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में एक जो है हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है, और 2 घंटे के लिए ये ग्लो कर रहा है। उस समय जो सर्किट है, उस सर्किट में करंट का मान हमें दिया हुआ है 0.25 एम्पियर और ये जो सर्किट है वो 2 घंटे के लिए ऑन है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो क्यू है वो क्यू का मान कितना होगा, यानी वहाँ पर जो आवेश है उसका हमें परिकलन करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्या होगा। बहुत सिंपल है, जैसे कि हमें आई का मान पता है 0.25 एम्पियर, हमें टाइम पता है 2 आर, तो इसको हम चेंज कर देंगे सेकंड में, तो 2 × 60 × 60 यानी मिनट और फिर सेकंड, ये हो गया हमारे पास इतना सेकंड का टाइम। अब हमारे पास कुल प्रभावित आवेश हमें निकालना है, तो q = हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I × t, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.25 × 2 × 60 × 60, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, ये 36 हो गया और ये यहाँ पर आपका इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 72 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा 1440 कूलॉन। दिस इज योर क्यू,
इतना आपको क्लियर हुआ कि किसी भी परिपथ में हमें दे रखा था कि एक बल्ब है, बल्ब के तंतु में हमें कितना आवेश यहाँ पर है वो उसका मान हमें ज्ञात करना है। जब उस परिपथ में 0.25 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और वो 2 घंटे के लिए सर्किट ऑन हो, यानी जब वो 2 घंटे के लिए सर्किट चलता हो। तो इस तरह से हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। इसी तरह से हम कोई एक और एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे को कोई सर्किट में ये कहा गया है कि 2 कूलाम आवेश को 2 बिंदुओं के बीच विस्थापित किया गया, 2 कूलाम आवेश 2 बिंदुओं के बीच विस्थापित किया गया, ठीक है। तो हमें जब ये ज्ञात करना है कि जब हमारे को उसको विस्थापन किया गया तो हमें किया गया कार्य ज्ञात करना है, किया गया कार्य इसके द्वारा, यानी वो सर्किट है, वो जो आवेश है वो कितना कार्य करेंगे, ठीक है। जब हमें दे रखा हो उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमें दे रखा है, V का मान हमें दे रखा है से 12 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सरल है ना। हमारे को Q दे रखा है 2 कूलम और V दे रखा है 12 वोल्ट, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। हमें W निकालना है तो V इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। तो इस W का मान हमारे पास यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये आपका कितना हो गया 12 × 2, ये हो गया 24 और V की इकाई क्या होती है, वोल्ट। ये हमारे पास यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। इन छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो है ये आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं, तो ये आप ध्यान रखिए कैसे हम ये सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा अगला न्यूमेरिकल हम देखेंगे और ये थोड़ा सा हमारे पास पहले से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी थोड़ा जटिल न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो हमें ये कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 1200 ओम है, एक बल्ब है और उस बल्ब का R हमें कह रहा है 1200 ओम, ये दिया हुआ है। और ये जो जुड़ा हुआ है, जिस सोर्स से जुड़ा हुआ है वो AC है, AC का सिंबल ये होता है, वो 220 वोल्ट है, यानी जिस सोर्स से ये जुड़ा हुआ है AC मीन्स 220 वोल्ट, और यहाँ से वो कितनी धारा लेता है हमें एक तो वो मान ज्ञात करना है। उसी समय हमें ये पूछ रहा है इस सर्किट में जब ये I कितना हुआ, एक तो ये कैलकुलेट करना है। इसी तरह से बोल रहा है कि यहाँ पर जो है एक विद्युत ऊष्मक की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी कोई कुंडली भी यहाँ लगी हुई है और इसका जो प्रतिरोध है यहाँ पर वो कह रहा है कि इसका प्रतिरोध लगभग 100 ओम है, और इसको भी हमने उसी सोर्स से जोड़ रखा है जो 220 वोल्ट है, यानी AC मेन से हमें यहाँ पर इसे जोड़ रखा है, वो 220 वोल्ट है। तो अब ये कह रहा है कि जब ये इससे जुड़ा हुआ है तो भी आपको बताना है कि यहाँ पर भी ये कितनी धारा लेगा, यानी एक बार तो इसमें देखना है और एक बार इसमें देखना है, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन हम बहुत सिंपली कैसे कर देंगे, आप देखिए हम तो जानते हैं ओम का नियम, V = IR होता है, ठीक। तो यहाँ से हम I का मान निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, V/R। इस सर्किट में अगर हम देखेंगे तो V का मान कितना है, 220 और R का मान कितना है, 1200 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसको भी काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 11/6 हो गया, तो ये हो गया 0, इसमें डिवीजन करेंगे तो ये 1, 8, हाँ लगभग इतना आपका क्या हो गया, इतना एम्पीयर की करंट होगी। अब इस यहाँ पर जो है इसकी जगह एक कुंडली लगा दी, इसको हीटिंग कॉयल बोलते हैं, ये हीटिंग कॉयल अगर हमने लगा दी तो हीटिंग कॉयल में भी आपको सेम ऐसे करना है जैसे हमने यहाँ किया है, तो कैसे करेंगे, सिंपल,
जैसे हम वहाँ कर रहे थे कि ये आई इज इक्वल टू हम यहाँ पर बी बटे आर कर देंगे, इसकी वैल्यूज आप रख दीजिए 220, ये आपका 100, तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जा रहा है 2.2, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा वही न्यूमेरिकल को जो हम पहले कर रहे थे वहाँ पर जो है हम जो ज्ञात कर रहे थे वो लगभग हमने वैसे ही करना है। वहाँ पर हमने एनर्जी निकाली थी है? या हमने वहाँ पर निकाला था कितना आवेश है, यहाँ पर हम जो है क्या निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं जब अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस लगे हों, यानी जब या तो आर लगा है यहाँ पर सिंपल एक और या जब कॉयल लगी है तब। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े इसी तरह से हम कोई एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कह रहा है कि एक सर्किट है, उस सर्किट में 0.8 वोल्ट का विभवांतर हुआ जब आई उसमें प्रभावित हुई कितनी 0.2 एम्पियर, समझ रहे हो। यानी एक सर्किट में मान लीजिए 0.2 एम्पियर की करंट पैदा हुई जब उसका विभवांतर कितना था 0.8 वोल्ट, तो उस समय हमसे ये पूछ रहा है कि उस चालक का आर निकाल दीजिए। तो सरल है, क्या करेंगे, यानी V पता है I पता है तो हम क्या कर सकते हैं, R निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियमानुसार V इज इक्वल टू I इंटू R। इसे सॉल्व करेंगे R इज इक्वल टू क्या हो गया V बटे I, इसे वैल्यूज रख दीजिए 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, ये कितना हो गया 4, ठीक है, समझ गए। 4 × 8 ये आपका कितना आ गया 4 ओम आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और यहाँ पर हम कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में हमारे पास कुछ प्रतिरोध दिए हुए हैं जो इस तरह से लगे हुए हैं, और ये जुड़ा हुआ है किसी एक सोर्स से, बैटरी यहाँ लगी हुई है 12 वोल्ट की, और यहाँ पर ये आर का मान यहाँ दे रहा है 5 ओम, यहाँ ये कह रहा है 10 ओम, यहाँ पर ये कह रहा है 30 ओम। ये इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 ओम 10 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोध ये यहाँ पर लगे हुए हैं जो एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, वो बैटरी 12 वोल्ट की है। तो और यहाँ पर हमें एक मीटर का जो है सोर्स भी दे रखा है जो करंट मेजर करेगा। यहाँ पर दो टर्मिनल ये हैं हमें दिए हुए हैं, ये दो टर्मिनल, और इसी तरह से हमें इसके क्रॉस में कितनी वोल्टेज आ रही है वो भी देखनी है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपके पास अलग अलग टर्मिनल हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस हैं 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। तो यहाँ पर ये हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि यदि हमारे पास इस चित्रानुसार जो है तीन सर्किट R1, R2, R3 एक समांतर क्रम में लगे हैं और वो 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हों, तो सबसे पहले तो हमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित होने वाली धारा ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पर कितनी करंट है वो हमें ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पर करंट कितनी, यहाँ पर करंट कितनी, यानी ये हमें करंट के मान ज्ञात करने I1, I2, I3, ठीक हो गया। और जब हमारी वो करंट निकल जाएगी तो उसके बाद वो हमसे ये भी कह रहा है कि परिपथ में प्रभावित कुल धारा का मान कितना होगा। तो पहले तो क्या निकालना है I1, I2, I3, और फिर निकालना है कि टोटल करंट उस सर्किट में कितनी होगी, और सोर्स में दे रखा है कितना 12 वोल्ट का। तो सिंपल आप इसको 1/1 करके निकाल लीजिए, क्योंकि तो आपको तो पता है कि यहाँ पे R पता है, I1 पता है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका V, हमें पता है क्योंकि V क्या होगा तीनों के इसमें कॉन्स्टेंट रहेगा, क्यों रहेगा क्योंकि ये पैरेलल है। तो हम बोलेंगे चूँकि हमें जानते हैं कि V बराबर 12 वोल्ट, और ये रहेगा कॉन्स्टेंट R1, R2 और R3 के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3 है, इतना हमें पता चलता है।
तो अब हम यहाँ पर करंट के मान निकाल लेंगे क्योंकि हमें V तो पता चल ही गया है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, इसलिए जो I1 है तो कितना होगा V upon R1, I2 क्या होगा V upon R2, और I3 क्या होगा V upon R3। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं, I1 का मान कितना होगा 12 बटे 5 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 × 2 = 10 और 522.4 एम्पियर। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा I2 का मान कितना आ जाएगा, यानी 12/10 1.2 एम्पियर। इसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा I3, 12/R3 कितना है 30, कितना हो जाएगा। ठीक है, ये भी काट लेंगे तो यहाँ पर अगर काटेंगे 2 × 6 = 12 और ये कितना हो गया 2×2 = 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4। अब हमारे पास सर्किट में वो बोल रहे हैं कि टोटल करंट कितनी होगी, तो टोटल करंट भी हमें ज्ञात हो गई क्योंकि हमें वैल्यूज पता चल गई I1, I2, I3। तो हमारे पास I बराबर हो गया I1 + I2 + I3, तीनों का मान जोड़ दीजिए, तीनों का मान जोड़ेंगे तो 2.4 + 1.2 + 0.4, तो ये कितना हो गया आपके पास 8 × 2 = 10, यानी ये आपके पास कितना हो गया 4 एम्पीयर। समझिए ना, यानी ये पॉइंट के साथ जोड़ेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 = 3 तो यही होंगे, अरे 10 हो गया तो 4। ठीक, इसी तरह से हमसे वो ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास ये तीनों प्रतिरोध दे रखे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ये तो सिंपल है, आप तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, N1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रख दीजिए, R1 कितना है आपके पास, R1 5, R2 कितना है 10 और R3 कितना है 30। इनका आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा 30। इसे सॉल्व कर दीजिए, 6 × 5 = 30 होता है 3 + 1, ये कितना होगा 3 × 4 = 10 × 30 है ना। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो 30/10 कितना हो गया 3 ओम। ठीक है, यानी 10 का भाग 30 में देंगे 3 ओम। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया, R का मान मिल गया, टोटल करंट मिल गई और इंडिविजुअल करंट मिल गई I1, I2, I3। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा 3 नंबर के मार्क्स में इस तरह से आ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है और बेसिक यहाँ पर 3-4 फॉर्मूले ही हैं, वो फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है। और न्यूमेरिकल पक्का आप मान के चलो कि आपको एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 1 न्यूमेरिकल, कभी कभी 2 न्यूमेरिकल, कभी कभी 2, यानी जो आपका शॉर्ट आंसर्स के बेस क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। बार फिर से जो कुछ हमने इस पार्ट में पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जैसी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि आवेश का हमें पता होना चाहिए कि आवेश किसे कहते हैं, यानी चार्ज किसे कहते हैं, और चार्ज पार्टिकल का क्या रोल है किसी भी मैटर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर, और वो करते क्या है। फिर हमने दूसरी बात की थी विद्युत धारा की, यानी विद्युत धारा में हमने क्या बताया था, करंट, करंट का मान हमने जो हमने ज्ञात किया था वो क्या किया था, वो हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किया था, दैट इज Q/T। क्यू क्या है, ये चार्ज को हम क्यू बोलते थे, ये क्या होता था Q/NE। तो चार्ज हमें पता चल गए, हमें करंट पता चल गई। इसी तरह से हमने तीसरी वहाँ पर बात की थी प्रतिरोध की, प्रतिरोध शब्द हमने यूज़ किया था, प्रतिरोध जो है इसे R से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, और ये रेसिस्टेंस में हमने क्या बोला था, ये क्या है, ये वो कारण है जो किसी भी सर्किट में करंट का विरोध करता है, यानी जो किसी सर्किट में करंट फ्लो करती है I, R उसका जो है क्या करता है अपोज करता है, यानी कंडक्टर एक ऐसा
ये कह लीजिए आप ऐसा कारक है कंडक्टर के अंदर जो किसी भी कंडक्टर में बहने वाली धारा का अवरोध करता है, यानी इससे जब करंट पास होगी तो उसमें आवेश जो है वो एक तरह का पदार्थ की प्रकृति है जो विरोध करेगी। इसके बाद हमने बात की थी परिपथ की, कि किसी भी सर्किट में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, उन एलिमेंट की बात हमने की थी। तो जैसे कि हमने वहाँ बताया था एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, उसके सिंबल के तौर पे हम ये सब बताए थे आपको। इसी तरह से वहाँ सर्किट में कोई की होनी चाहिए, वहाँ पर अमीटर या वहाँ पर वोल्ट मीटर, ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, या और भी इस तरह के कुछ कंपोनेंट की बात हमने की थी। और हमने ये कहा था कि उस सर्किट में करंट जब होगी और सर्किट क्लोज होगा तो वो एक परिपथ बनाएगा, यानी कम से कम उस सर्किट में करंट फ्लो होते हुए होनी चाहिए, तब जाके वो एक सर्किट का निर्माण करेगा। इसी तरह से हमने बात की थी ओम के नियम की, ओम के नियम को हमने बताया था। तो ओम का नियम में क्या आया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी हमने यहाँ पे एक फार्मूला जनरेट कर दिया था V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पर हमने ये बताया था कि V और I एक दूसरे के समानुपाती हैं, और उसको ग्राफिकली भी हमने रिप्रेजेंट किया था। V और I का ग्राफ हमने खींचा था तो वो एक स्ट्रेट लाइन आई थी, यूनिफॉर्म लाइन आई थी जो R को मेजर करती है, यानी V और I का वेरिएशन हमने देखा था तो R हमें मिला था। इसी तरह से हमने इसमें जो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किया था, यानी प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है उस पर हमने बात की थी। प्रतिरोधों का संयोजन, ये संयोजन हमने बताए थे दो तरह के होते हैं, एक श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा समांतर क्रम में संयोजन। ठीक हो गया, समांतर क्रम में संयोजन, इसका फॉर्मूला था R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस सोन, और इसका था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन, ये हमने बात की थी। इसका सिंपल जो सर्किट था वो ये था कि आपने मोर देन टू और थ्री रेजिस्टेंस एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं और इनको किसी सोर्स से जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो करंट जाएगी वो करंट यहाँ पर सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा V1 V2 V3, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे सेम रहेगी। इसी तरह से इसमें क्या था, एक सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं लेकिन एक ही टर्मिनल से वो बहुत सारी ब्रांच निकल रही हैं, और तो वहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, यानी I1 I2 I3 कहाँ से आ रही है, किसी सोर्स से आ रही है, तो यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो जो कर रही है वो हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है टर्मिनल पे। यहाँ पर V कांस्टेंट है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट सर्किट है, तो उसके लिए ये फार्मूला बना था और सीरीज के लिए यह फार्मूला बना था। इसी तरह से हमने यहाँ पर पावर निकाली थी, सामर्थ्य भी निकाली थी सर्किट की, किसी सर्किट की सामर्थ्य या पावर कितनी होती है वो W/T निकली थी या V×I निकली थी, V वोल्टेज और I वहाँ पे करंट था। इसी तरह से हमने निकाला था वर्क डन या ऊर्जा व्यय कितना करती है, वहाँ पर सर्किट में कितना ऊर्जा खर्च होती है वो भी हमने ज्ञात की थी। तो ये आई थी हमारे पास क्या, VIT, या ये आया था I²RT। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बार पुनः देख लिया है कि किसी भी सर्किट में हमें अगर किसी चीज़ को अध्ययन करना है तो हमें बेसिकली इन सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, और आखिरी में हमने इन पर आधारित, इन सूत्रों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी हमने किए जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें आशा है कि आपको ये सब समझ आया होगा, और अगले जो चैप्टर है उसमें जब हम पहुँचेंगे तो उसमें आपकी कोई समस्या लेंगे या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, वो चैप्टर पर हम आपको आगे बात करेंगे।